Hello students and welcome to Pusa Classes. Continuing with the chapter 15th of class 12th, Ecosystem, हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ecological pyramids की. Pyramids की shape कैसी होती है? It's look like triangle, जिसका base जो होता है वो comparatively broad होता है to its apex. Apex means उसका जो top होता है. तो चाहे हम एक ecosystem में किस तरीके से energy जो है अलग-अलग topic level पे है उसकी बात करें, या फिर हम फूड की बात करें, जो शेप है हमारी ऐसे पिरामिड ही बनकर आती है. मतलब जैसे अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो ऑर्गेनिजम्स जो मेरे लोअर ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट है उसके उनके अंदर एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, और जैसे जैसे मेरा एनर्जी जो है ऊपर फर्दर ऊपर ट्रॉफिक लेवल्स की तरफ जाता रहेगा तो मेरा जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी और टॉप तक आते आते वो बहुत कम हो जाएगी कंपेरिजन टू इट्स बेस. So, relationship is expressed in terms of number, biomass, energy. हमारे पास basically तीन तरह के जो हैं pyramids हैं जिनकी हम study करते हैं. It is the pyramid of number, pyramid of biomass and pyramid of energy. तो आपको हर एक type का जो है जरूर specially देख कर जाना है with example. Okay. So, यहाँ पर हमारा जो बना है पिरामिड ऑफ नंबर का उन्होंने एग्जांपल दे रखा है ग्रासलैंड के अंदर. एंड यहाँ पर क्या है कि मेरा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मींस एक ग्रासलैंड के अंदर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनका नंबर अप्रोक्सीमेटली इतना है, जैसे 58,42,000 जो है मेरे प्रोड्यूसर्स है ग्रासलैंड के अंदर. उनको जो खा रहे हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो कि मेरे होते हैं हर्बीवोर्स, ये कितने हैं, इनका नंबर कितना होगा, उनसे ऑब्वियसली कम होगा, उनसे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता. अगर ज्यादा होगा तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि फूड उतना नहीं है. तो फूड ज्यादा होगा उनको खाने वाले कम होंगे, तो जो मेरे हर्बीवोर्स हैं विच आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स उनका नंबर है 7,08,000. देन कम्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि मेरे होते हैं कार्निवोर्स, इनका नंबर जो होगा वो हर्बीवोर्स से भी कम होगा. सेम चीज, खाना जितना होगा उससे कम होंगे उनको खाने वाले. इनका नंबर यहाँ पे कितना है 3,54,000. देन कम्स टर्शियरी कंज्यूमर जिनको हम कहेंगे अगेन ये कार्निवोर्स हो सकते हैं या फिर ओमनीवोरस हो सकते हैं, इनका नंबर उनसे भी कम होगा. मतलब अगर उनके लिए खाना इतना है तो उनको खाने वाले सिर्फ 3 ही हैं. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने हाइपोथेटिकल कि इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो ग्रासलैंड में प्रेजेंट है. तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि जो बेस लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नंबर ज्यादा है, और जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाते जाते हैं इनका नंबर होता जाता है कम. तो मेरी ये शेप कैसे बन के आ गई, मेरी ये शेप बन के आ गई पिरामिड जैसे. नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है इन्होंने बायोमास का. जो हमारे बायोमास है उसका अगर हम देखें अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे तो वो कितना होगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. अब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं यही बायोमास बनवा रहे हैं, तो ये जो बना रहे हैं तो इनका नंबर होगा ज्यादा 809 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर. जो है मेरा ड्राई वेट अगर मैं लू तो बायोमास का पिरामिड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर है इतना. प्राइमरी कंज्यूमर्स विच आर हर्बीवोर्स वहां तक आते आते मेरे बायोमास का वजन हो गया 37 kg. उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे आते आते इसका बायोमास हो गया 11 kg, और उससे ऊपर टर्शियरी कंज्यूमर्स जो हैं उन पर जब हम पहुंचे तो मेरा इसका वेट हो गया 1.5 kg. दैट मींस कि अगर मैं पिरामिड ऑफ बायोमास लू तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे मेरा जब मैं सक्सेसिवली ऊपर जाऊंगी तो मेरा जो है ये कम होता जाएगा, और इसके बाद अल्टीमेटली शेप मेरी बन के आ जाएगी पिरामिड की. देन देयर इज अ inverted pyramid of biomass, small standing crop of phytoplankton support large standing crops of zooplanktons. अब ये example जो है क्योंकि ये एक exceptional सा case है तो इसको पूछने के chances बढ़ जाते हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरा pyramid of biomass जो है जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन मतलब हमारा वाटर बॉडी के अंदर दिखा रहे हैं, वो कह रहा है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, कौन है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यहाँ पर है फाइटोप्लैंक्टन, इनका बायोमास कम होगा इन कंपैरिजन टू जो इनको खा रही हैं जू प्लैंक्टन उनके.
तो ये मेरा एक एक्सेप्शनल केस है और वेरी इंपॉर्टेंट केस है. देन वी हैव एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी. हेयर क्या हो रहा है, एनर्जी जो है मेरी वो इंक्रीज डिक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे मैं ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाती जा रही हूँ. मैंने सन से तो जो एनर्जी ली, मेरे पास सन से जितनी जूल एनर्जी आई वो आई उतना. इसका सिर्फ 10% जो है मेरा पहुंचा इधर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास. तो जितनी सनलाइट से एनर्जी आ रही है उसको भी प्लांट्स जो है वो यूटिलाइज सारी की सारी नहीं करते, उसकी भी सिर्फ 10% ही वो यूटिलाइज कर पाते हैं. जो उन्होंने यूटिलाइज की एनर्जी उसका 10% जो है मेरा आगे प्राइमरी जो प्रोड्यूस कंज्यूमर्स हैं वो ले रही हैं. इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो खा रहा है उसके पास सिर्फ इसकी 10% एनर्जी ही गई, और इनको जो फर्दर खा रहा है उस पे के पास भी गई 10% एनर्जी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 10% एनर्जी लॉ जो है वो एप्लीकेबल है. दैट मीन्स हर एक ट्रॉपिक लेवल के पास कितनी एनर्जी जा रही है, ओनली 10%. तो ये 10% लॉ से रिलेटेड है, तो ये भी मेरा जो है वो इंपॉर्टेंट है. इसलिए हम कह सकते हैं कि बीइंग वेजिटेरियन इज बेटर देन बीइंग नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि हमारे को जो एनर्जी है वो प्लांट्स से ज्यादा मिलेगी. अगर कोई बंदा इसी को खाएगा तो उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी इन कंपैरिजन टू कोई इसको खा रहा है या इस वाले ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को खा रहा है. एंड कैलकुलेशन, एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर हैज टू इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन दैट ट्रॉपिक लेवल. वो कह रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल लिया प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वाला, तो कितनी स्पीशीज हैं और हर एक स्पीशीज के अंदर कितने इंडिविजुअल्स हैं, उन सबको हमें काउंट करना पड़ेगा तभी हम ठीक से अफेक्टिवली बना सकते हैं. एवरी ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पीशीज एज सच. यहाँ पर अगर हमारे अलग अलग ट्रॉपिक लेवल बने हुए हैं तो यहाँ पे वो किसी स्पीशीज की बात नहीं कर रहा कि यहाँ पर एक स्पीशीज है यहाँ पे दूसरी स्पीशीज है. नो, यहाँ पर वो बात कर रहा है फंक्शनल लेवल की, नॉट अ स्पीशीज. अ गिवन स्पीशीज मे ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम. यहाँ पे वो कह रहा है कि एक स्पीशीज जो है वो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पर भी प्रेजेंट हो सकती है. मतलब कि जैसे ओमनिवोरस हो गए, वो वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, तो वो यहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और यहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, तो वो कह रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक स्पीशीज सिर्फ एक कन्फाइंड लेवल पर ही मिल सकती है, वो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे भी मिल सकती है. इन मोस्ट इकोसिस्टम, जितने भी मेरे इकोसिस्टम्स हैं, ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट. कोई सा भी इकोसिस्टम हो, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ बायोमास, ये तीनों टाइप के पिरामिड जो हैं, वो मेरे अपराइट ही होंगे. अपराइट मींस ऐसे सीधे खड़े हुए. दैट मींस हर एक इनके केसेस में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका नंबर है ज्यादा इन कंपैरिजन टू फर्दर ट्रॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके. ऑल्सो एनर्जी एट लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन एट अ हायर ट्रॉपिक लेवल. मतलब कोई से भी टाइप का इकोसिस्टम हो, एक्वेटिक हो, टेरिस्ट्रियल हो, कोई सा भी इकोसिस्टम हो, एनर्जी हमेशा लोअर ट्रॉपिक लेवल पे जो है बेस वाले लेवल पे ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे. बट देयर इज एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या कह रही है टू दिस जनरलाइजेशन, देयर इज एन एक्सेप्शन विच इज द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज ऑलवेज इन्वर्टेड. इन्वर्टेड मीन्स ऐसे उल्टा. बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेज आर एक्सीड्स देन दैट ऑफ फाइटोप्लांकटन. हमने कहा कि वॉटर बॉडी के अंदर जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं वो हो गया फाइटोप्लांकटन या सबमर्ज्ड प्लांट्स या साइड्स में जो होते हैं वो, उन सबका जो बायोमास है टोटल ड्राई बायोमास उसका जो वेट है वो हमेशा कम होगा इन कंपैरिजन टू हायर. अगर मैं सी की बात करूं, समुद्र की बात करूं, तो वहां पे जो प्लांट्स हैं उन सबका ड्राई वेट जो है वो बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू हायर लेवल. जैसे वेल्स, शार्क्स, इन सबका अगर मैं ड्राई वेट इंक्लूड करूं पूरे सी में,
तो ये बहुत बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू जू प्लैंकटॉन्स वगैरह, ये सब जो है प्रोड्यूसर्स जो है इनके ड्राई वेट से। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन यहाँ पर है जो हमेशा याद रखनी है, दैट द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज ऑलवेज इन्वर्टेड। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा याद रखनी है, दैट पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। एनर्जी चाहे कहीं के भी इकोसिस्टम की बात हो, कहीं की भी बात हो, वो हमेशा जो है डिक्रीज करेगी जैसे जैसे हम फर्दर ऊपर जाएंगे। दैट मीन्स एनर्जी वाला पिरामिड तो मेरा हर बार इन्वर्टेड ही नहीं होगा, हर बार मेरा अपराइट होगा। ईच बार इन द एनर्जी पिरामिड इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच टॉपिक लेवल इन अ गिवन टाइम और एन एनुअल पर यूनिट टाइम। जो ये मेरा पिरामिड है इसमें एक एक बार्स, जैसे इसके अंदर अगर फोर बार्स हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये हर एक बार जो है ये मेरी रिप्रेजेंट कर रही है कि कितनी एनर्जी जो है वो उस टाइम पर उधर जो है प्रेजेंट है। अब लिमिटेशंस, इकोलॉजिकल पिरामिड की क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वो क्या क्या है, दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन जो है, इट डज नॉट टेकन इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉपिक लेवल। हमने ऊपर बात की थी कि एक स्पीशीज जो है वो मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल पर प्रेजेंट हो सकती है, बट इस फैक्ट को इकोलॉजिकल पिरामिड में कंसिडर नहीं किया गया और ये एक इसकी लिमिटेशन बन गई। मतलब एक ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रॉपिक लेवल पे काउंट किया जाता है, अगर वो उससे ज्यादा पे है तो उधर नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ उसको एक ही जगह पे काउंट करेंगे। सेकेंड, इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि जो फूड चेन है वो एक्चुअली में नॉर्मली जो है नहीं मिलती, हमें मिलता है फूड वेब। एक जना सिर्फ एक ही चीज नहीं खा रहा होता, उसकी मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, वो एक से ज्यादा चीजों पे जो है वो फीड करता है, तो ये बनता है फूड वेब। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं सिंपल फूड चेन, उसके हिसाब से हम पिरामिड बना रहे हैं, ना कि फूड वेब को कंसिडर कर रहे हैं। It does not accommodate food web. Moreover, saprophytes are not given any place in the ecological pyramid. हमारा जो ecosystems है उसमें decomposers हैं, उसमें saprophytes। Saprophytes कौन होते हैं, जो dead और decaying matter पे feed करते हैं, तो उनका तो इधर कहीं है ही नहीं role। इधर उन्होंने कोई उसको जगह ही नहीं दे रखी, जबकि अगर ये ना हो तो हमारा ecosystem ठीक से function ना कर सके। तो जो तीन पॉइंट्स हैं ये हैं हमारा लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, विच इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट।